हे भगवान जी, पता नहीं और क्या क्या रंग दिखाएगा इसका संन्यास। अब क्या ये दिन में भी मेरे मुंह के सामने बैठ के ध्यान करेगा? कौन है? बेटा, अपने नाम से तो पूरे चिड़ियाघर को लेके आ गई। वो बाबूजी, हम सबको आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। पहले रात भर तो उसने भी मुझे सोने दिया और अब तुम लोग आ गए बात करने के चक्कर में। मैं क्या उल्लू बन जाऊं बेटा, क्या करूं मैं? बाबूजी, ये बात करनी बहुत जरूरी है, फुल स्टॉप। बाबूजी, आज का खाना खाकर तो मयूरी को गुस्सा आ गया और मयूरी का मन गुस्सा डाफ करने का कर रहा है। अरे भाभी, आप तो गुस्सा कर सकती हैं। मैं चलिए ना, कहीं बाहर जाकर असली खाना खा के आते हैं। हाँ। बेटा, बात तो तेरी सही है, लेकिन बाहर दरवाजे पे ही तेरा वो सन्यासी घोटक नारायण जो धूनी रमा के बैठा हुआ, उसका क्या? वही तो दिक्कत है, और किचन की चाबी भी मयूरी के जेठ जी के पास है। अब करें तो हम आखिर क्या करें जी? अरे भाभी, आप तो गुस्सा कर सकती हैं, लेकिन मैं तो वो भी नहीं कर सकता। कर देंगे वो मेरी टेंशन टाइट, कर जाएगी मेरी काइट। आप समझाइए ना हमारे टीसी बाबू को। काय का टीसी बाबू, नौकरी तो कब की छोड़ दी उसने? और मुझे तो ताज्जुब इस बात पर है कि वो अपनी स्टेशन वाली भाषा भी भूल चुका है। बाबूजी, प्लीज उन्हें समझाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती। नहीं बेटा, नहीं, ये मत कर, मुझे अच्छा नहीं लगता ये। हाथ मत जोड़। और जहां तक उसे समझाने की बात है, तो बेटा मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ता। बाबूजी, आप क्यों कर रहे हैं? हाथ क्यों क्यों बाबूजी? वो यूं बेटा कि कल रात मैं सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक आंख खुली तो देखा श्री घोटक नारायण यहाँ धूनी रमा के मेरे सामने बैठे हैं और मुझे घूरते जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहा है? मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। तो जबरदस्ती करके मुझे यहाँ जमीन पर सुलवा दिया। बोला जमीन से जुड़ा रहना जरूरी होता है। सोचो, अब अगर मैं और उसे समझाने जाऊंगा तो भगवान जाने मेरा क्या करेगा। इसलिए इस मामले में मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूंगा। बाबूजी, हमें जमीन पर ही सोना पड़ेगा। प्लीज बाबूजी, कुछ कीजिए बाबूजी, प्लीज बाबूजी, मुझे तो माफी कर दे बेटा। मैंने कहा ना, इस मामले में मुझे माफ कर दो। लेकिन बाबूजी, उन्हें आप नहीं समझाएंगे तो और कौन समझाएगा? मैं जाऊंगा भैया के पास और उन्हें एक टीचर की तरह समझाऊंगा। डॉट। मैं स्कूल में नालायक से नालायक बच्चे को समझा देता हूँ, भैया तो फिर भी समझदार है। देखता हूँ कैसे नहीं समझते मेरी बात। डॉट। चल कभी। मैं क्यों? बड़े भाई को सवाल पूछता है, ये चिड़ियाघर सनसनाहट नहीं है। हाँ कभी, ये गलत बात है। तू जा ना भैया के साथ, जा। चल मेरे साथ चल, मैं भैया को समझा के ही रहूंगा। हे, एक कदम आगे बढ़ के साथ चलूंगा। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन।